जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जाने वाला मैच जो कि बेहद रोमांचक रहेगा। और बात करने वाला हूँ पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है, रिसेंट फॉर्म प्लेयर्स का क्या कह रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग टीम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा कैप्टन बेसी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को देख रहे होंगे कि हम लोगों का रिसेंट का मुकाबला कितना बेहतरीन जा रहा है। SL में हम लोग लगातार अल्ट्रा क्लीन स्वीप करते आ रहे हैं और आशा करते हैं इस मैच में भी हम लोग अच्छा करेंगे। अगर आप भी इस मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खेलता हूँ, इसके अलावा GL की टीम, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट यानी बेहतर से बेहतर और शानदार से शानदार टीम बनाने के लिए जितने भी चीज़ों की आवश्यकता होती है सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस अपना 5 मैच में से लास्ट का 3 मैच हार के आ रही है, वहीं पे राजस्थान 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिलेगा और पेसर्स को अच्छा खासा मदद मिलता दिखेगा। वेदर की बात करें तो वेदर सनी रहने वाला है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 200 से प्लस का स्कोर यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर पेसर्स को 7 विकेट मिलते हैं, एवरेज में स्पिनर को 3 विकेट। टॉस के रोल की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टॉस जीतने वाली टीम यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करती है और बॉलिंग फर्स्ट टीम जीतने के चांसेस 61% हैं। वहीं पे हेड टू हेड में दोनों ही टीमों का 9 मैच हुआ है, जिसमें से 5 मैच मुंबई जीती है, 4 मैच राजस्थान जीती है। दोनों ही टीमों का बैटिंग ऑर्डर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोनों ही टीमों का लास्ट मैच का हम लोग स्कोर कार्ड देख लेंगे। लास्ट मैच मुंबई जीत के आ रही है राजस्थान के अगेंस्ट 6 विकेट से, जिसमें आपको देखने को मिलेगा यशस्वी जायसवाल 124 रन बनाए थे। स्कोर कार्ड की बात करें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से आपको रोहित शर्मा देखने को मिलेंगे 3 रन, ईशान किशन 28 रन, क्रिस ग्रीन 44 रन, सूर्यकुमार यादव 55 रन, तिलक वर्मा 29 रन, टिम डेविड 45 रन। राजस्थान के बॉलर्स की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट को 1 विकेट, एस शर्मा को 1 विकेट, रवि अश्विन को 2 विकेट, युजवेंद्र चहल कोई विकेट नहीं, होल्डर को कोई विकेट नहीं मिला था और कुलदीप सेन को कोई विकेट नहीं। राजस्थान के बैटर्स की बात करें तो 124 रन यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर 18 रन, संजू सैमसंग 14 रन, पडिकल 2 रन, जेसन होल्डर 11 रन, हिटमायर 8 रन, ध्रुव जुरेल 2 रन, रवि अश्विन 8 रन, ट्रेंट बोल्ट 0 रन। मुंबई के बॉलर्स की बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ए खान को 3 विकेट मिले थे, पीयूष चावला को 2 विकेट, मैरिदित को 1 विकेट, जोफ्रा आर्चर को 1 विकेट, क्रिस ग्रेन विकेटलेस गए थे और के कार्तिक के विकेटलेस गए थे, दोनों ही अभी मुंबई की टीम में नहीं है। चलिए ड्रीम इलेवन पे वहाँ बना लेते हैं हम लोग अपना फाइनल टीम। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा जॉस बटलर का नाम, 62% सिलेक्शन है। 2 मैचों में बटलर दिए हैं आपको 46.23 पॉइंट एवरेज मैच के अकॉर्डिंग, तो 2 मैच से चले नहीं है। आज के मैच में मैं बटलर को अपनी टीम में बैक करने वाला हूं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा संजू सैमसंग, 2 मैच पर मैच 75.5 का है पॉइंट देने का रेशियो, तो संजू सैमसंग को मैं बैक करके चल रहा हूं। ईशान किशन लास्ट मैच में ताबड़तोड़ पारी खेले थे, 2 मैचों में 60 पॉइंट दिए हैं 30 के एवरेज से, 50% ड्रीम टीम का हिस्सा रहते हैं, इनको मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूँ आज के मैच में। बैटिंग सेक्शन से आपको रोहित शर्मा का नाम देखने को मिलेगा, 2 मैचों में 56 के एवरेज से पॉइंट दिए हैं, 50% ड्रीम टीम का हिस्सा रहते हैं, तो इनको मैं अपनी टीम में बैक करने वाला हूं। यशस्वी जायसवाल का नाम देखने को मिलेगा, 2 मैच में 49 पॉइंट दिए हैं, 24 पॉइंट पर मैच एवरेज है, 50% ड्रीम टीम का हिस्सा रहते हैं, लास्ट जब मुंबई के अगेंस्ट खेले थे तो 124 रनों की पारी खेले थे, तो इनको मैं अपनी टीम में बैक करने वाला हूँ। आप चाहो तो आज के मैच में यशस्वी जायसवाल को कैप्टन बीसी भी देके जा सकते हो। हेटमायर को मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। उसके बाद तिलक वर्मा का नाम आ रहा है, तिलक वर्मा को मैं बैक करके चल रहा हूँ। अगर मुंबई पहले बैटिंग करती है तो मैं टिम डेविड को भी अपनी टीम में जगह देने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं टिम डेविड को अपनी टीम में लेके नहीं चल रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ से हार्दिक पांड्या, क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या कैप्टन है तो इनको अपनी टीम में रखना बनता है, क्योंकि पहला ओवर बॉलिंग लेके आ जाएंगे, पूरी 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे, बैटिंग में भी आपको बैटिंग करते नज़र आएंगे, तो टीम में तो रखना बनता है। कैप्टन बीसी देखे मैं जाने वाला नहीं हूँ। उसके बाद रवि अश्विन को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ। आप चाहो तो रियान पराग को ले लेना, फिलहाल मैं रवि अश्विन को अपनी टीम में रखने वाला हूँ। और रियान पराग रेगुलर मैच में चल रहे हैं, दोनों मैचों में चले हैं
पर मैच 90 का एवरेज है पॉइंट का, 100% ड्रीम टीम का हिस्सा रह रहे हैं। आज के मैच में मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूँ। बॉलिंग सेक्शन से यहाँ से मैं युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, ग्लेंडर कोटजई को अपनी टीम में जगह देके चल रहा हूँ। कैप्टन वीसी की बात करें तो मेरा इस मैच में कैप्टन रहने वाला है आपको जसप्रीत बुमराह, या फिर आप चाहो तो जायसवाल और तिलक वर्मा को कैप्टन वीसी देके जा सकते हो, लेकिन मैं जसप्रीत बुमराह को कैप्टन कर रहा हूँ, वीसी जायसवाल को करके जा रहा हूँ। भाइयों ये मेरा फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम से ज्वाइन होना ना भूले। आशा करते हैं हम लोगों का ये मैच अच्छा जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।